सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी डॉक्टर वरुण कुमार ने अपना टिकट नामांकन से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बुधवार को मुलाकात कर अपना टिकट लौटा दिया है। वजह ये बताई है कि ना तो जेडीयू का और ना ही भाजपा का कोई नेता उन्हें बहुत महत्व दे रहा था। पूर्वी चंपारण में नाराज कार्यकर्ताओं ने रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का घेराव किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी की मांग की है। बिहार में अब पत्रकारों को मिलेगी पूर्ण सुरक्षा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दिया आदेश, साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी उन्होंने यह फैसला लिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुनील कुमार पिंटू ने अपना पाला बदल बीजेपी का दामन छोड़ जेडीयू का हाथ थाम लिया है। बुधवार को जेडीयू पार्टी कार्यालय पहुंच सुनील कुमार पिंटू ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। बिहार में जीतन राम मांझी को जबरदस्त झटका लगा है। उनकी पार्टी हम दो फार हो गई है, पार्टी टूट गई है। महाचंद्र ने बनाया हम यूनाइटेड। इधर हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पार्टी में किसी प्रकार की टूट से इनकार किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कीर्ति आजाद के झारखंड से खड़े होने की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना सकता है। हम प्रमुख जीतनराम मांझी के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। कहा चैती छठ पूजा के दिन होने वाले मतदान पर चुनाव आयोग गंभीरता से कड़े विचार। बिहार के बक्सर जिले में लोकसभा चुनाव के लिए नेताओं के साथ उनके पुत्र भी बहुत व्यस्त हैं। यहां पुत्रों के हवाले है नेताजी की सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग। बड़े भाई तेज प्रताप को जान से मारने की धमकी वाले मामले में तेजस्वी ने साधी चुप्पी, तो वहीं इस मामले में भाजपा नेता सह बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेज प्रताप का साथ देते हुए उन पर तंज कसा है। SBI से पीओ के लिए तैयारी कर रखी है तो आपके लिए अच्छी खबर है। SBI ने पीओ के 2000 पदों पर भर्ती करेगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.sbi.co.in पर लॉगिन कर 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।